मेरे प्यारे साथियों, सबको प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आप सबका दिन मंगलमय हो, जीवन खुशियों से भरपूर रहे। आज मैं आप लोग को माउंट आबू के भाई हैं बीके महादेव, उनका एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ये वहाँ माउंट आबू में एक जगह है तलहटी, तो तलहटी में शिरोमणि वृद्धाश्रम है, उसमें ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही सज्जन और नेक दिल इंसान है। तो इन्होंने हमारे पास अपना आर्टिकल भेजा, कहते हैं मंजिलें इंसान का हौसला आजमाती हैं। ये भाई मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए, मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए जो मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा तो शायद आप लोगों को तो जरूर सुनाना चाहिए। कहते हैं मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती हैं, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती हैं। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। दूसरी बात इन्होंने कही कि माँ बाप का साथ है तो रोज धनतेरस है, माँ बाप का साथ है तो रोज धनतेरस है, संगनी साथ में है तो रोज रूप चौदस। जीवन साथी साथ में रहे, पत्नी साथ में रहे, पति साथ में रहे। कहते माँ बाप का साथ है तो रोज धनतेरस है, संगनी साथ है तो रोज रूप चौदस है, बच्चे साथ है तो रोज दिवाली है, परिवार साथ में हो तो रोज अन्नकूट, और भाई बहन में प्यार हो तो रोज भैया दूज, भाई बहन में प्यार हो तो रोज भाई दूज। सही बात है, हम देखते हैं बचपन में तो बहन भाई में बड़ा प्यार होता है, हम एक दूसरे बिना रह नहीं पाते, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन ये मेरा भाई है मेरी बहन है। लेकिन शादी के बाद न जाने क्यों दूरियाँ बढ़ती जाती हैं, क्यों भाई अपनी बहन को भूल जाते हैं। बहन तो हमने देखा कि मरते दम तक अपने मायके से जुड़ी रहती है, वो तो उसको तो ये लगता है कि हमारी जड़ें मायके में है, हम यहाँ खाली पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, मरते दम तो वो नहीं भूल पाती है। तो हम तो हर भाई से कहेंगे कि नहीं, बहनों को भी याद रखो, बहन भाई में हमेशा प्यार बना रहे। आगे महादेव जी कहते हैं कि जीतने की बात तो सारी दुनिया गले लगाती है, जीतने की बात तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही सिर्फ अपना होता है। हारने के बाद भी जो गले लगाए वो सिर्फ अपना होता है। और ऐसी क्यों होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं जो हर कीमत पर हमें अजमत अपनाते हैं। हम कितनी भी गलतियां करके आए लेकिन वो हमें प्यार समझाते हैं। कहते ना पूत का पूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, बच्चे नालायक हो जाते लेकिन माँ बाप उनको कभी भी नहीं दुत्कारते फटकारते, अपने से दूर करते, वो उनको गले ही लगाते हैं। कहते बाजार में आसानी से सब कुछ मिल जाता है, आजकल तो ऑनलाइन जमाना, पैसा दो घर में आ गया सामान। कहते बाजार में आसानी से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और ना ही बाप जैसा साया मिलता है। तो क्या आप लोग भी इनकी बात से सहमत है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हाँ, जैसा कि इन्होंने लिखा कि क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं, है ना, तो चाहे जितनी ठोकर लगे हिम्मत मत हारो, एक ना एक दिन अवश्य विजय प्राप्त होगी। हम भी यही सोचते थे कि शायद हमारे भाग में कोई सुख लिखा ही नहीं है, पूरी युवावस्था खूब स्कूल में पढ़ाया, होम ट्यूशन लिया और कोचिंग की, जी जान से बच्चों के भविष्य के लिए जुटे रहे, लेकिन जगह जगह पर कदम कदम पर ठोकर लगती थी। मैं कभी कल्पना ही नहीं कर पाते थे कि मेरा भी अपना घर होगा या मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगी या शादी कर पाऊंगी, लेकिन देखो ठोकरों ने ही चलना सिखाया। हमारे स्कूल में एक टीचर है, मैथ के टीचर हैं, बड़े अच्छे, उनका नाम है मयंक शर्मा। तो मयंक शर्मा ने अपने उसमें लिख रखा था और व्हाट्सएप पर, एवरी पेन टीच ए लेसन, कि हर दर्द जो है वो हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाता है। तो सही बात है, अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, उसमें सोचने समझने की क्षमता है, विवेक है, तो क्या करता है वो हर ठोकर से सीखता है कि मैंने गलती की और मैं दोबारा इसको नहीं करूँगा, मैं इस रास्ते पर गया यहाँ कांटे गड़े और मुझे उस रास्ते पर जाना ही नहीं है। तो भाई बीके महादेव भाई का ये आर्टिकल आप लोग को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा, सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आप सबका मंगल मनाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सबको टाटा बाय बाय।